हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम बज रहा है शाम के 5। मैंने सोचा कि चलिए कहीं चलते हैं बाहर। तो अभी एक हमारे यहाँ हनुमान मंदिर पड़ता है, उसके आगे हम लोग जाएंगे 40 किलोमीटर। कोई अच्छा व्यू होगा, चलिए आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। बाढ़ आई है तो गाइस यहाँ पर देखिए बाढ़ आई है। ये देखिए हम लोग यहाँ पर बुलेट से थे, हम लोग यहाँ देखिए पानी भरा है, अभी निकालेंगे यहाँ से। ये देखिए चारों तरफ पानी पानी, चलो पानी है ना, चढ़ाएगा पानी। तो गाइस देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट कर लिया, हम निकल रहे पानी से। ये देखिए धीरे धीरे बहुत तेज पानी ऊपर आ रहा है, यहाँ रुकते हैं। सब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे बाढ़ थी, कम से कम हाईवे तक थी, वहाँ तक ऊपर तक, ऊपर तक थी, लेकिन नहीं ऊपर तक थी, फिर सूख गया सब, तो सूख गया। चलो चलिए हम लोग निकलते हैं। हम लोग जा रहे थे घर, तो हनुमान मंदिर रास्ते में पड़ता, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हाँ और पहले मुंह धुले पहले, ये देखिए ये क्या गाइस देखो भाई, नाम दिखा ले, देखो कौन है क्या। तो भाई हम लोग जा रहे हैं टाल, हम लोग इस समय है ना हनुमान मंदिर में। तो आप गाइस देख रहे होंगे मंदिर का व्यू, और आप इधर से भी देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मंदिर है। ये देखिए एक पेड़ है यहाँ पर, रुके आपको दिखाते हैं, देख सकता हूँ इधर देखिए कितनी जगह है। ये देखिए पीपल, ये क्या है बरगद, अरे बहुत, एक में बहुत पेड़ हैं, 7-8 पेड़ हैं। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हमें एक पेड़ आपको बताते पर बहुत पेड़ हैं। ये देखिए गाइस ये यहाँ पर लिखा है, चलो ये यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है पीर बाबा सच्चे। ये देखिए मंदिर, ये देखिए यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, बस इस साइड नर्सरी है। ये कि मंदिर के अंदर ही से रास्ता है, ये यहाँ से पानी लेते हैं सर तभी। ये कि और यहाँ पर ये गार्डन टाइप का बनाया गया है, और छोटे अब वो लोग कहीं कहाँ गए वो। ये कि ये गार्डन टाइप का बनाया गया है, तो सूख गए ये कि पेड़, और वो लोग देखे वहाँ, वो देखे वहाँ पर सब, तो सब लोग वहाँ पर टहल लें। ये कि मंदिर हम चल रहे ऊपर, ये देख सकते हैं गाइस ये ऊपर से व्यू है मंदिर का। तो सामने हाईवे है और वहाँ पर वो ढाबा है, ये देखिए सब ढाबा है। मेन गेट ये है गाइस, ये मेन गेट है, और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ पर। मंदिर के अंदर आ गए हैं, आप पीछे से व्यू देख सकते हैं मंदिर का, पंडित जी भी हैं, क्या आपको दिखाते हैं। ये गाइस ये मूर्ति हनुमान जी की। पंडित जी आप इसके बारे में बता सकते हैं, मंदिर के बारे में जो आपको पता है। ये 4 जून 2003 को इतिहास और बाकी तो जानते हैं, इसमें साहब थे जी आर के सिंह। स्थापना 4 जून जी 2003 को हुई थी जी। यहाँ की जो है आस्था ये है लोगों की कि यहाँ जो भी मन्नत लेके आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, यहाँ लोग घंटा चढ़ाते हैं जी, हनुमान जी के लिए वस्त्र बनवाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जो है वहाँ A to Z हर मनोकामना पूर्ण होती है। दिल्ली से, लखनऊ से, मध्य प्रदेश से, यहाँ से बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। नीचे जो है वीर बाबा का स्थान है जी, प्राचीन स्थान है,
वहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं, धागा बांधा जाता है, उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाए, जो भी मन्नत हो तो लोग आते हैं, धागा खोलते हैं, जो भी अपना बोला हो, भंडारा प्रसाद जो भी होता है वो चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। आपने सुना होगा पंडित जी ने क्या बताया, पूरा जो जो जानते थे उन्होंने बताया। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर, पहले चलिए कुछ खा लेते हैं। ओके सुनो, ये सबको बुलाए, रात में कोई आया नहीं, तो ये बैठे अकेले अकेले खा रहा, अकेले अकेले। हाँ तो तुम दोनों खा रहे, हम भी खा रहे हैं। भैया दो समोसे दे दिए। हाँ फोन आया फिर। हाँ मीठे भैया कल मैं आपसे कहा था कि आपको जो बताया था कि हनुमान मंदिर है उसके आगे हम जाएंगे 40 किलोमीटर, कोई व्यू दिखाएंगे अच्छा। पर गाइस हम लोग गए 40 किलोमीटर तो वहाँ कुछ हम लोग को दिखाई नहीं, अलवर इधर बाढ़ आई थी वही आपको दिखाए हैं, देखे होंगे आप ब्लॉग में। फिर वहाँ से हम लोग तुरंत वापस आए, प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का, तो फिर हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ से हम लोग आए थे वही 7 बजे वापस, 7 या 7:30 बजे गया था। फिर जब घर आया तो मैं डैडी के साथ गया मार्केट, फिर मार्केट से घर आया, फिर चाय पी, उसके बाद रात को विशाल का फ़ोन आ गया भाई 1 बजे, फिर उसने बात की, फिर हमने मैं सोया 2 बजे, तो आज लेट हो गया बहुत, आज बज रहा टाइम 11:20 हो रहा है, अब उठाऊँ, अब जा रहा हूँ ब्लॉग की एडिटिंग है ना, और फिर उसके बाद नहाऊँगा। तो चलिए अभी करते हैं एडिटिंग, और ये छंछा सो रही है, छंछा ए इधर देखो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।